हाँ जी प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को जैसे मालूम है कि आज हम बाइनोमियल थ्योरम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो मुस्कान, आप बताओगे बेटा बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल किसे कहते हैं? बच्चों बच्चों आपने छोटी क्लासेस में सीखा कि एक आपका मोनोमोनियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। बाइनोमियल का मतलब जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स होती हैं, और उसके बाद एक बाइक्वाड्रेटिक होती है जिसके अंदर चार टर्म्स होती हैं। आज हमें बाइनोमियल के बारे में बात करनी है। बाइनोमियल का मतलब जिसके अंदर सिर्फ दो टर्म्स होती हैं और उसके इंडेक्स के बारे में बात करनी है। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों को मालूम है। ये किसके इक्वल होता है? मौसम, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सक्षम ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये एक रिपीटेड एडिशन कह सकते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके एनालिसिस के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये कहां से आया कैसे आया, तो इसके बारे में आज सब कुछ आप सीखेंगे। और यदि आपको कहा जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहां तक बात आप लोगों को समझ आती है बहुत अच्छी तरह। यदि मैं आपको कहता हूं बच्चों ए प्लस बी होल टू द पावर फोर, तो ये भी शायद कुछ बच्चे इसको कुछ एडजस्टमेंट करके ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी करके सॉल्व कर दें। यदि मैं इसको और बढ़ा दूं, यदि मैं इसे कहूं ए प्लस बी होल टू द पावर फाइव, तो शायद कुछ बच्चे और भी इसको सॉल्व कर दें। और यदि मैं इसके पास कहूं कि ए प्लस बी होल टू द पावर टेन, तो वो सिर्फ एक मजदूर वाला काम हो जाएगा, एक इंटेलिजेंस वाला काम नहीं होगा, क्योंकि उसको खोलना पड़े तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो ये बाइनोमियल थ्योरम जो है, जो आपकी दो टर्म्स होती हैं और इसके ऊपर जो पावर होती है, उसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला जो है, हमें आज उसके बारे में सोचना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। यदि वो कोई भी फार्मूला हमारी लाइफ में आ जाए या उसको सॉल्व करना हो तो क्या होगा। तो पीछे से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, सर यहाँ पर ये जरूरी है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगा? यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपके इलेवंथ के कोर्स में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम बात करेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकाला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। देखो बच्चों, जब मैथमेटिक्स आगे चल रहा था तो एक बहुत बड़ा ग्रेट मैथमेटिशियन हुआ इस दुनिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं पास्कल। वो 4 साल की एज में, उसके पापा जो थे उस टाइम एक मिनिस्ट्री में थे, और जब भी उसके पापा कोई हिसाब किताब कर रहे होते थे तो वो फटाफट बता देता था कि पापा आपने ये जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा गड़बड़ किया है। उस मैथमेटिशियन का नाम आप सब जानते हैं, क्या नाम था बच्चों? पास्कल। तो पास्कल ने इसको कुछ हल किया, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। फिर उसके बाद पास्कल का रास्कल कैसे बना, फिर उसका इलाज कैसे हुआ, फिर उसके बारे में भी हम बात करेंगे आप लोगों से। अब बच्चों जैसे सपोज आपके पास आ गया ए प्लस बी होल टू द पावर फोर, इसको हमें खोलना है। पास्कल ने इसका तरीका हमें दिया, वो कहता है 1 को 4 टाइम लिख दो। 1 को कितनी बार लिख दो? 4 टाइम। उसके बाद काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4। इज इट क्लियर? फिर ऊपर वाला एक डायगोनल छोड़ देना है, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6। उसके बाद 1 यहां लिख दो, 1 प्लस 3 4, और ये 1। तो ये बात समझ आई? तो ये हमारे पास a प्लस बी होल टू द पावर 4 के कोफिशियंट आ जाएंगे। अब बच्चों a प्लस बी होल टू पावर 4 खोलना है, तो यहां पर हमने ऑब्जर्व किया है बच्चों, ये वहां पर 1 आएगा। यहां पर एक बात और ऑब्जर्व करने वाली ये है, वो उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो ये आ गया ए टू द पावर 4। नेक्स्ट कोफिशियंट आ गया 4a³। ये a की पावर क्या होती जाएगी बच्चों? डिक्रीज होती जाएगी, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट जो है बच्चों क्या आ जाएगा? 6
ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इधर देखो ए की पावर कम होगी बी की पावर इंक्रीज हो गई, 6 के बाद आएगा 4 ए बी क्यूब और उसके बाद क्या आएगा बी टू पावर 4 सक्षम। यहां पर देखो बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि जहां पर फर्स्ट कोफिशियंट और लास्ट कोफिशियंट दोनों क्या है सेम, और सेकंड कोफिशियंट और सेकंड लास्ट कोफिशियंट वो भी क्या है सेम। समझ आई बात बच्चों? तो पास्कल ने इसका कुछ हल दिया हमें। यदि सपोज हमें ए प्लस बी होल टू द पावर 5 होता उसको कैसे सॉल्व करना था, उसका भी तरीका हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो उसको भी अब आप लोग बड़े आराम से सीखेंगे कि कैसे कोफिशियंट कैसे निकालने हैं। जो तरीका हमें बताया पास्कल ने, 1 को कितनी बार लिख देंगे बच्चों, 5 निकालना है तो 5 बार लिख देंगे, उसके बाद काउंटिंग कितनी बार लिखेंगे 5 बार नेचुरल नंबर लिख लेंगे, उसके बाद एक डायगनल छोड़ देंगे, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10, उसके बाद फिर एक डायगनल छोड़ देंगे 1 प्लस 3 4 4 प्लस 6 10, फिर 1 लिख देंगे और उसके बाद 1 प्लस 4 जो प्रीवियस लाइन वाले हैं वो दो नंबर ऐड कर देते हैं और लास्ट में क्या आया था बच्चों 1। तो यहां पर भी आप देखो फर्स्ट कोफिशियंट और लास्ट कोफिशियंट हमेशा होल टू पावर 4 में भी सेम आ रहा था, सेकंड और थर्ड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट वो भी सेम आ रहा है, थर्ड और थर्ड लास्ट भी कह रहा है सेम आ रहा है। तो अब इसका होल टू द पावर 5 लिखना है, तो अब कैसे लिखा जाएगा उसको लिख के दिखाते हैं मैं आपको कैसे लिखा जाएगा। इधर देखो बच्चों ए प्लस बी होल टू द पावर 5 खोलना है, मौसम आप बताओ बेटा क्या लिखेंगे, 1 आएगा पहले ए टू द पावर 5, उसके बाद 5 a 4 b, ए की पावर कम होती जाएगी बी की पावर क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, उसके बाद 10 a³ b² उसके बाद फिर 10 a² b³, वेरी गुड, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों 5 b² 4 और लास्ट में क्या आएगा b² 5। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? अब बच्चों होल टू द पावर 10 आएगा वो भी हम पास्कल से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी इधर देखो बच्चों 5a भी आएगा, इधर ठीक कह रही है बच्चा 5a b² 4 आएगा इंटू b² 5, ठीक है। अब यदि मैं होल टू द पावर 10 कहता हूँ वो भी कुछ ना कुछ पास्कल से एडजस्ट हो जाएगा, यदि मैं इसके ऊपर बच्चों पावर 100 कर देता हूँ तो यहाँ पर पास्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बन जाएगा बच्चों, घूम जाएगा बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था सर इसाक न्यूटन। क्या था बच्चों? सर इसाक न्यूटन। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को हमें बताया कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने ए प्लस बी होल टू द पावर एन के बारे में बताया कि ए प्लस बी होल टू द पावर एन का एक्सपेंशन कैसे खुल सकता है, उसके बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। वहां ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब जैसे सपोज यहां पर मैं कहता होल्ड टू द पावर 100 है, तो यहां पर 1 को कितनी बार लिखना पड़ता 100 बार, काउंटिंग को भी कितनी बार लिखना पड़ता 100 बार, फिर उसके ऊपर डायगनली हम छोड़ते जाते करते जाते तो कोफिशिएंट तो आ जाते लेकिन पक्की बात था गलत हो जाता। तो पास्कल के कॉन्सेप्ट का क्या बन गया? मलिया मेड हो गया। तो वहां पर हमें अपने एक नए मैथमेटिशियन सर इसाक न्यूटन की हेल्प लेनी पड़ी जिन्होंने हमें आगे बताया। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्टों के बारे में आज आप सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, फिर उसके बाद हम आप लोगों के साथ आगे चलेंगे। तो अब बच्चों अब आपके साथ मैं बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, फिर जो न्यूटन जी ने हमें दिया कॉन्सेप्ट उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है और बाकी क्या करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि दो टर्म होती हैं जो कनेक्टेड बाई प्लस या माइनस होती हैं और उसके ऊपर जो इंडेक्स होता है तो उसे क्या कहते हैं बाइनोमियल, और बाइनोमियल थ्योरम जो है हमें न्यूटन जी के द्वारा दी गई। अब बच्चों ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है आज आप लोग जानेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बच्चों क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है 2ab और ये क्या है बच्चों बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बच्चों? ए स्क्वायर का मतलब है बच्चों 2c0, ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है 2c0 और 2ab का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है 2c1 के, ठीक है। और ये वाला जो कोफिशिएंट 1 है वो किसके इक्वल है बच्चों 2c2। अब इसका मतलब क्या है बच्चों इसको हम जानेंगे, और ये बच्चों 2 है ये क्या है बच्चों 1, जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थी वहां पर आप लोगों को मैंने कॉम्बिनेशन दिखाए थे,
कॉम्बिनेशन का मतलब कहता है सिलेक्शन, और अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क होता है उसके भी बड़े सारे केसेस बनाए थे। यहां पर इसका यूज ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों ए प्लस बी होल्स किया रहा है सक्षम सत्यम, ए प्लस बी होल्स किया रहा है इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हमारे पास दो जो हैं बॉल्स हैं, टू बॉल्स हैं, ये हमें किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ए और बी के बीच में, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी, समझ आई बात बच्चों। अब दोनों की दोनों बोले, ये ए स्क्वायर का मतलब ये है बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब है दोनों की दोनों बोले ए को दे दी, तो वो देने के जो वे हैं वो हमारे पास कितने हैं बच्चों, वन, वो कितने वे हैं हमारे पास, वन, वो कितने वे हैं हमारे पास, वन, ठीक है, कितने वे हैं हमारे पास, वन। हाँ जी, ये दो बोल्स हैं बच्चों, टू सी वन इक्वल टू टू, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी। ए स्क्वायर का मतलब ये है कि दोनों की दोनों बोले किसको दे दी हमने, ए को दे दी, तो इसको देने के वे कितने बच्चों, वन। अब दो बोलों में से, अब ए के ऊपर पावर बच्चों वन है, बी के ऊपर भी पावर क्या है, वन, एक बोल ए को दी एक बोल बी को दी, तो ये देने के बच्चों दो वे हैं, क्योंकि वो बोले जो हैं आपस में दोनों एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं, तो ये कितने होंगे, टू। और इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर, बी इसका मतलब बी को दोनों बोल्स मिल रही हैं, तो इसको देने के वे कितने हैं बच्चों, वन। तो इस तरह इसका मतलब एनालिसिस ये होता है, और इसको हम देखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, टू सी जीरो, टू सी वन और टू सी टू। तो आज के बाद अब जैसे ए प्लस बी होल क्यूब है सक्षम, तो क्या लिखेंगे हम, थ्री सी जीरो, ये आएगा ए क्यूब, ये क्या आएगा, थ्री सी वन, और उसके बाद क्या आएगा, थ्री सी टू ए बी स्क्वायर, थ्री सी थ्री बी क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट, पक्का। अब इधर देखो बच्चों, तीनों की तीनों बोले ए को दे दी, तो उसको देने के वे कितने हैं, वन। यहां पर दो बोले ए को दी, एक बोल बी को दी, उसको देने के वे कितने हैं बच्चों, थ्री। यहां पर एक बोल ए को दी, दो बोले बी को दी, उसको देने के वे कितने हैं, तीन, और तीनों की तीनों बोले बी को दे दी, तो थ्री सी थ्री। तो यहां पर ये थ्री सी जीरो, थ्री सी वन, थ्री सी टू और थ्री सी थ्री, ये जो है बच्चों आपका जो आता है इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यहां पर आपने सक्षम बात देखने वाली समझने वाली कोशिश करनी है, यदि ये यहां पर ऊपर जो इंडेक्स है सारे थ्री सी में क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है, और ये वाला जो इंडेक्स है जो बी के ऊपर पावर होती है वो आता है, ये जो सफिक्स है जैसे यहां पर जीरो था तो यहां क्या आया, जीरो, यहां बी की पावर वन थी तो यहां क्या आया, वन, यहां स्क्वायर था तो ये सफिक्स कितना आया, टू, ये थ्री थी तो ये क्या आया बच्चों, थ्री। ये बात समझ आई, ए की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बी की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज होती जा रही है, और जो टोटल टर्म्स हैं वो थ्री पावर थ्री थी तो टोटल टर्म्स कितनी बनी, फोर, टोटल टर्म्स कितनी बनी, फोर। अब मैं एक नया तरीका आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं जिसमें आप एक्सपेंशन जो है बड़ी जल्दी और बड़े आराम से लिख पाएंगे। तो यहां तक ये बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आ गई अच्छी तरह की, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, और ये जो सफिक्स, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये हमेशा बी की पावर के साथ रिलेट होता है। अब बच्चों ए प्लस बी होल टू द पावर फोर लिखना है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है कैसे नहीं करना उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी सक्षम, ए प्लस बी होल टू द पावर फोर के बारे में बात कर रहे हैं, ए प्लस बी होल टू द पावर फोर के बारे में, तो इसको समझना है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये क्या आएगा, फोर सी जीरो, ठीक है, ये किसने बताया हमें, न्यूटन ने बताया कि उसके ऊपर जो मर्जी पावर हो उसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, ए टू पावर फोर, तो ये क्या आया, फोर सी वन ए क्यूब बी, उसके बाद आया फोर सी टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आया फोर सी थ्री ए बी क्यूब, और ये आया फोर सी फोर ए टू पावर जीरो बी टू पावर। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ए की पावर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, बी की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और उसके बाद ये जो सबस्क्रिप्ट है सी के नीचे वो भी क्या होता जा रहा है बच्चों, फोर तक जा रहा है, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है, फोर, जीरो से स्टार्ट हुआ इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, फोर। और यहां पर बच्चों बड़ी सारी बातें ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं, पीछे से मेरे पास आवाज आ रही है, सर कोई तरीका आपके पास ऐसा भी है कि जिसमें हम इसको बड़े आराम से निकाल सकें। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, ये आपको मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाया था, एन सी जीरो भी हमेशा वन होता है और एन सी एन भी क्या होता है बच्चों,
वन होता है, तो ये पक्की बात है सक्षम अभिषेक, ये क्या आएगा 8 पावर 4, और लास्ट में क्या आएगा b to the power 4। यहां तक बात समझ आई या नहीं? अब देखो बच्चों अगली जो टर्म्स लिखनी है वो कैसे लिखी जाती हैं। NC1 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, n होती है। क्या होती है? n। इसकी वैल्यू क्या होती है? n। अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये देखो बच्चों पहले वाला कोफिशिएंट हमें पता होना चाहिए, ये क्या बच्चों 1, क्या ये 1, और इसके ऊपर पावर कितनी है 4 इंटू क्या कर दो 4। ये बात समझ आई या नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा 1 इंटू 4, और ये देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है। अब नेक्स्ट वाला निकालना, देखो ये क्या आया था बच्चों 4, और इसके ऊपर पावर कितनी थी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड टर्म है। ये क्या थी बच्चों फर्स्ट NC1 के अकॉर्डिंग, और ये क्या थी NC2, ठीक है, और ये क्या आएगा a² b²। अब ये बताओ बेटा मौसम, प्रिया आप बताओ बेटा ये कितना आया बेटा 6 आया, तो इसको कैसे लिखेंगे 6 into 2/3 into a b। ये बात ही समझ, तो इस तरह इसको सिंपली वे में हम लिख देते हैं, तो ये आ गया a² + 4ac³ + 6a²b² और ये वाला क्या आएगा बच्चों 4ab³b⁴। तो ये बात पीछे वाले बच्चों समझ आ गई या नहीं आ गई? क्या करना है बच्चों उसका मैं रिजल्ट लिख देता हूँ आपको, शॉर्टकट बता देता हूँ, और वो शॉर्टकट से आप फटाफट उस बाइनोमियल थ्योरम को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या है बच्चों, कैसे क्या तरीका है बच्चों, कोफिशियंट ऑफ प्रीवियस टर्म, कोफिशियंट ऑफ प्रीवियस टर्म, और उसके बाद पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों, कोफिशियंट ऑफ प्रीवियस टर्म इनटू पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, और उसके बाद ये फर्स्ट था ये सेकंड था, यदि यहां पर NC2 आ रहा है तो आपने 2 से डिवाइड करना है, और यदि आपका मतलब इसमें आपने n-1 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है n-1 से, तो आपके पास प्रीवियस कोफिशियंट आ जाएगा, ठीक है। अब आप बच्चों बिल्कुल सीधा कुछ ना करते हुए हम ये सब कुछ निकालेंगे, हाँ जी इधर देखो बच्चों, अब आप बच्चे निकाल के दिखाएंगे मुझे, हाँ जी सक्षम आप बताओ बेटा a+b⁄5 को खोलना है, बोल बेटा क्या होगा, हाँ जी 5c0 को अब लिखते हैं नहीं, बेको सीधा लिखते हैं a⁵, और लास्ट में भी क्या लिखेंगे b⁵। अब एक काम करते हैं, इधर क्या आएगा a⁴b, इधर क्या आएगा a³b², उसके बाद क्या आएगा a² b³, और उसके बाद क्या आएगा a⁴b⁵। इसको एक बार फिर दोबारा लिख देता हूँ, छोटा लिखा हुआ है ये, तो क्या आएगा बच्चों a⁵, फिर क्या आएगा a⁴b, फिर क्या आएगा a³b², और ये क्या आएगा a² b³, a⁴b⁵। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब प्रिया ये बताओ बेटा यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर बेटा क्या है 1, ये वाला कोएफिशिएंट निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा 1 into 5/1, क्योंकि ये सेकंड टर्म था तो 2-1, ठीक है। ये वाला कोएफिशिएंट कैसे आने वाला है बताओ बच्चों 5 into 4/2, समझ आया बच्चों, और ये वाला कोएफिशिएंट कैसे आने वाला है ये बताओ बच्चों, ये क्या आया बच्चों 10 into 3/3, बात आई बच्चों समझ, और ये वाला कोएफिशिएंट कैसे आने वाला है ये क्या आया 10 into 2/4, और ये तो आपका फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या होता है सेम, तो अब आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों ये 5, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 10, और ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 10, और इधर ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 5, और ये क्या आने वाला है 1। देखो फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सेम है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट सेम है,
थर्ड और थर्ड लास्ट भी क्या है बच्चों, सेम है। तो इस तरह आप उसे बड़े आराम से अच्छी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों कुछ और हम इसके आगे चलते हैं, अब एक और हम खोल के दिखाते हैं कि, और उसके बारे में हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे को बाइनोमियल थ्योरम दी गई, और उसके अंदर उसका यदि आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो आप मैथमेटिकल इंडक्शन से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं सक्षम? मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब इधर देखो बच्चों, a प्लस बी होल टू दी पावर n, n आपका भी पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है बच्चों, इधर लिख देता हूं, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर कह सकते हो। तो ये क्या आएगा, एन सी जीरो, ये क्या आएगा, a टू दी पावर n। नेक्स्ट क्या आएगा, एन सी वन, ए टू पावर n माइनस वन इंटू बी। नेक्स्ट क्या आएगा सक्षम, एन सी टू, अभिषेक आप बताओ, बी स्क्वायर। नेक्स्ट संकेत आप बताओ बेटा, एन सी एन, ए टू पावर जी इंटू बी टू पावर एन। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो टोटल टर्म्स कितनी आई बच्चों, इधर ये बताओ बच्चों, पहली बात बताओ टोटल टर्म्स कितनी आई, एन प्लस वन होंगी हमेशा, टोटल टर्म्स क्या होंगी, एन प्लस वन। और इंडेक्स देखो बच्चों, इधर एन था इंडेक्स, इधर भी देखो बच्चों पावर वन है, तो एन माइनस वन प्लस वन करोगे तो वो क्या आएगा बच्चों, हमेशा एन आएगा, इंडेक्स भी क्या आएगा, हमेशा एन, ठीक है। और ये जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये नीचे वाले जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज, ऊपर वाले हमेशा फिक्स रहते हैं, ऊपर वाले क्या रहते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का अच्छी तरह, ठीक है। और अब इसको निकालने का तरीका आप लोगों को समझ आ गया, इसका मतलब क्या बच्चों, एन सी जीरो, इसका एनालिसिस क्या है कि सारी की सारी बॉल्स, एन बॉल्स थी, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी, सारी की सारी बॉल हमने ए को दे दी तो उसको देने की वे कितने बच्चों, वन। अब यदि इसके अंदर एन माइनस वन बॉल्स ए को दे दी और बी को कितनी बॉल्स दी, वन, उसको देने के कितने वे हैं, एन सी वन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एन माइनस टू बॉल ए को दे दी, दो बोले बी को दे दी, तो डैश टोटल बेस कितने हैं, एन सी टू, और यहां पर जीरो बॉल ए को दी और बाकी एन बॉल्स किसको दी, बी को दी, तो वो कितनी है बच्चों, एन सी एन। इज इट क्लियर नॉट? तो ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, अच्छी तरह समझ आ रही है, ठीक है। और इसको प्रीवियस टर्म निकालने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो इसको एक बार दिखा देते हैं। ये क्या है बच्चों, ए टू द पावर एन, ये क्या आएगा, एन ए एन माइनस वन इंटू बी। हाँ जी सक्षम जी बताओ बेटा, ये क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन, ये आपकी कौन सी टर्म थी, तो इधर क्या आएगा बच्चों, टू, और ये क्या आ गया, ए टू पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आता है, बी टू पावर एन, ठीक है। अब पीछे के बच्चे और आगे के बच्चे भी हमसे पूछ रहे हैं, कहते हैं यदि बाई चांस सर यहाँ पर ए माइनस बी होल टू द पावर एन हो गया तब क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों, ये सारी टर्म्स जो हैं वो क्या बन जाएंगी, ऑल्टरनेटिव टर्म्स बन जाएंगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, तो वो कैसे हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस एन ए टू पावर एन माइनस वन बी, और उसके बाद ये पॉजिटिव आएगा और ये आपका आ जाएगा ए टू पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस वन टू द पावर एन इंटू बी टू पावर एन। ये बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई, क्लियर है। अब यदि यहाँ पर हम ए की जगह वन रिप्लेस कर दें और बी की जगह एक्स रिप्लेस कर दें, बी की जगह क्या रिप्लेस कर दें, एक्स, तब क्या होगा बच्चों, तब क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वन, ये वन ही आएगा, ये एन सी वन एक्स हो जाएगा, एन सी टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एन सी एन एक्स पावर एन हो जाएगा। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई, पक्का क्लियर? अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट और मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और आज आप लोगों ने इसके घर जाके खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब जम के इसको करना है, इसको जितना हाथों से करोगे उतना अच्छा लगेगा आपको। और उसके अंदर अब अभिषेक बात बताओ बेटा, यदि नीचे पीछे से कोई टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, सत्यम आप बताओ बेटा, पीछे से कोई टर्म निकालनी हो, तो वो राज भी मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूं। हाँ जी अब देखो बच्चों, ये आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है, अब मैं कहता हूं आपने सेवन टर्म निकालनी है, सेवन टर्म फ्रॉम एंड, मतलब पीछे से जो सेवन पे टॉप कर रहा है वो निकालना है, ठीक है।
तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, ए को बी रिप्लेस कर देंगे, बी को ए रिप्लेस कर देंगे, और इसकी अब सेवन टर्म निकालनी है, तो वो आप लोगों को मालूम है, वो क्या आने वाली है, एन सी, यहां पर क्या आएगा बच्चों, सेवन टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, और ये क्या आएगा बी टू दी पावर, ये क्या आता था, ये जो आपका वन है तो वन आता था एन माइनस सिक्स, और ये क्या आएगा ए, तो ये पीछे से सेवन टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पीछे से सेवन टर्म आ जाएगी, नहीं तो एक तरीका और है कि पीछे से एन माइनस सेवन प्लस टू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये क्या हो जाएगा एन माइनस फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है बच्चों। अब ये आज एक्सपेंशन हमने आप लोगों को बता दिया कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, एलजेब्रिक सम होता है, और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात हो गई, और आज आप लोगों ने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, ये आपने एनसीईआरटी के खूब सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, ये आप लिख लीजिए जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कोई बीच में से टर्म निकालनी हो तो वो हम टर्म कैसे निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।